हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास यू के जी और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास यू के जी तो जब भी हमारे बच्चे क्लास यूके में पढ़ रहे होते हैं तो जो भी मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं आप उन बच्चों को दे सकते हैं अपने बच्चों की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को यूके क्लास में जो हमारे बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी होता है तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो सबसे पहले है राइट द राइमिंग वर्ड्स तो हमने इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स को इनके साथ लिखना है तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स की साउंड एक सी होती है उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं जैसे यहां पर है कैट तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी साउंड जो है वो कैट के साथ मैच होगी वो होगा बैट तो कैट के साथ हम राइमिंग वर्ड लिख लेंगे बैट ऐसे ही नेक्स्ट है बेल बेल के साथ राइमिंग वर्ड वेल बॉक्स फॉक्स नेट जेट सन bun, pin, bin, frog, dog. तो ये तो थे कुछ rhyming वर्ड्स अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अब है आंसर दीज questions. तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और यहां पर पिक्चर ड्रॉ की है इनके अकॉर्डिंग बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देना सिखाना है तो देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दिस क्योंकि बच्चे अगर यूकेजी क्लास में पढ़ रहे हैं नर्सरी हो एल के जी कोई भी क्लास हो तो बच्चों को क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं ये सब सिखाया जाता है तो इसी बेस पर हमने ये क्वेश्चन को लिखा है तो वट इज दिस तो यहां पर मैंने डैश पे लिखा है इज एन तो क्या होगा इसका आंसर जब भी हम दिस का क्वेश्चन होता है तो दिस का क्वेश्चन का आंसर हम दिस में देते हैं वट इज दिस दिस इज एन एप्पल पी पी एल एपल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज दिस तो यह क्या है दिस से क्वेश्चन फिनिश है तो दिस से ही हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे दिस इज अश नेक्स्ट है वट इज दिस तो यहां पर बच्चे पिक्चर को देखेगा और पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या है बेल है और इसका आंसर कैसे देगा दिस ज अ बेल तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन जिनके हमने आंसर लिखने थे स्टेटमेंट में अब आगे देख लेते हैं क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मै द फॉलोइंग वर्ड्स तो यहाँ पर मैंने अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं इन अपोजिट वर्ड्स को हमने मैच करना है तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है तो सबसे पहले है हॉट हॉट का अपोजिट वर्ड होता है कोल्ड तो हम इसको कोल्ड के साथ मैच कर लेंगे नेक्स्ट है गुड गुड का अपोजिट वर्ड बैड ऐसे ही ब्लैक ब्लैक का अपोजिट वर्ड है वाइट डे डे का अपोजिट वर्ड नाइट हैप्पी हैप्पी का अपोजिट वर्ड सैड होता है एंड देन है बिग बिग का अपोजिट वर्ड स्मॉल तो हम इसको स्मॉल के साथ मैच कर लेंगे तो ये तो थे अपोजिट वर्ड बच्चों को अपोजिट वर्ड लर्न होंगे क्योंकि अभी यूके जी क्लास में है तो बहुत सारे स्पेलिंग्स बच्चों को नहीं लर्न होती हैं तो इसीलिए यहाँ पर हमने मैच कराने के लिए दिया है ताकि बच्चे इजीली इसको मैच करा सके अब आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं फिल इन दी ब्लैंक्स तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को फिल करना है तो देख लेते हैं क्या है आई डैश अ बॉय क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बच्चों को इनको बोलना भी सिखाया जाता है और इनको फिल करने के लिए भी बच्चों को सिखाया जाता है कि किस प्रोनाउन के साथ क्या वर्ब लगेगी तो देख लेते हैं हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है एम एंड इज तो हमें पता है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एम आई एम अ बॉय नेक्स्ट है यू डैश माई फ्रेंड तो यू के साथ हम इसका यूज करेंगे कि आर का तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर माई फ्रेंड अब नेक्स्ट है वी डैश प्लेइंग तो वी के साथ हम किसका यूज करते हैं इज या फिर आर तो वी के साथ भी हम आर का यूज करते हैं ऐसे ही है दिस, डैश माई और दिस हमें पता है हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं दिस का तो सिंगुलर के साथ हम इज को हेल्पिंग वर्ग यूज करते हैं तो दिस इज माई डॉल ऐसे ही, ही ही डेज गोइंग टू स्कूल तो इसका हो जाएगा इज क्योंकि ही के साथ हम इज का यूज करते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कलर तो यहाँ पर मैंने कलर बॉक्स को ड्रॉ किया है उन बॉक्स के हमने जो कलर हैं उन कलर को फाइंड आउट करके उनके नेम को लिखना है तो ये कौन से कलर का बॉक्स हमने ड्रॉ किया है तो ये है रेड तो हम इसको लिख लेंगे आर ई डी रेड फिर नीचे है पर्पल कलर का तो हम इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे पी यू आर पी एल ई पर्पल अब नेक्स्ट है ब्लू तो हम लिख लेंगे बी एल यू ई ब्लू फिर नीचे है येलो हमने लिखना है वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू येलो अब नेक्स्ट है ग्रीन ग्रीन की स्पेलिंग हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर का बॉक्स है तो ये तो थे कुछ कलर्स के नेम तो जिनसे बच्चों को कलर्स नेम भी याद हो जाता है और उनकी मोकेबुलरी भी इंक्रीज होती है तो अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है अब है मे टू लेटर वर्ड्स तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम मैंने कुछ लेटर्स उठा कर दिए हैं इन लेटर्स से हमने बच्चों को टू लेटर्स वर्ड्स बनाना सिखाना है तो बच्चे यूकेजी क्लास में है तो थोड़ा सा रीडिंग भी करते हैं और उनको छोटे छोटे जो साइट वर्ड्स होते हैं वो याद होते हैं तो उसी बेस पर हमने कुछ वर्ड्स को बनाना है तो देख लेते हैं इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड बनेंगे तो सबसे पहले बनेगा डी है यहां पर तो डी एन ओ डी ओ डू और जी ओ गो अब है नेक्स्ट आई N in A S as S O so N O no I S is M Y my टी एट तो हमने यहां पर इतने ही वर्ड्स बनाने थे और इससे ज्यादा भी हम वर्ड्स बना सकते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है इंग्लिश की वर्कशीट को फर्क यूकेजी तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू